हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आ चुका है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग A52s का एक नया अपडेट रोल आउट हो चुका है। दोस्तों ये अपडेट बहुत पहले आने का था, मतलब मार्च के स्टार्टिंग में ही यूरोप में या बाहर की कंट्रीज में रिलीज हो गया था, पर इंडिया में अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, जो कि आज के दिन रिलीज कर दिया गया है। क्या है इस अपडेट में आगे सब आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यार भाई चैनल करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पे लाइक करो, दबा लो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, वहां जाना है डाउनलोड इंस्टॉल पे। वहां जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक नया अपडेट यहां पर रोल आउट हो चुका है। तो यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, और नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट का वर्जन नंबर है, या बोल सकते हैं इसमें कितने MB का ये अपडेट आया है, जो कि ये साइज आया है 307, मतलब कि 307 MB का ये अपडेट आया है, जिसके अंदर सिक्योरिटी पैच 1 जून की कर दी गई है। और साथ में अगर आप यहाँ पर, जब तक पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे इसके अंदर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दिखाया है स्टेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस की बिहेवियर हैज़ बिन इम्प्रूव्ड, डिवाइस का बिहेवियर इम्प्रूव किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव की गई है आफ्टर अपडेट। और साथ साथ एक उन्होंने नरेशन भी डाल दिया कि भैया इस अपडेट के बाद आप प्रीवियस वर्जन पर नहीं जा सकते ड्यू टू सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पॉलिसी। और जब भी कोई नया अपडेट आता है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कोई नया फीचर एड ऑन नहीं किया गया, बट हर अपडेट में सिक्योरिटी को अपडेट किया जाता है, बग को, तो हर अपडेट में बग्स को फिक्स किया जाता है और सिक्योरिटी को इम्प्रूव होती ही होती है। तो हमेशा नया अपडेट जब भी अवेलेबल हो, जब भी अपडेट करना चाहिए, उससे आपकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा असर होता है। तो ये तो हो गया, पहले तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और आपसे वो इंस्टॉलिंग पर चले जाएगा। हमेशा एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपने मोबाइल को इंस्टॉल करें या अपडेट करें, आपके मोबाइल का जो क्या बोलते हैं बैटरी है, वो 50% है अबव होनी चाहिए, या फिर मोबाइल चार्ज पे ही लगा होना चाहिए। बिकॉज अगर मान लो कभी आपका मोबाइल बीच में बंद हो जाए, तो आपका डेटा वहां पर लॉस हो सकता है। तो हमेशा अपने मोबाइल की बैटरी ज़्यादा चार्ज करके ही मोबाइल को अपडेट करें, या हो सके तो चार्ज पे लगा के ही अपडेट करें। तो इसको होने देते हैं अपडेट, फिर देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही अपडेट हो गया। मैं इसको ओके कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, या फिर बोल सकते हैं सीधा आपको ले जा रहा हूँ अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पर 1UI 5.1 ही है मेरे पास, आप देखो तो आप देखेंगे यहाँ पर 1UI 5.1 ही है, एंड्रॉयड 13 है, और गूगल प्ले स्टोर की जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है 1 जनवरी 2023 का है। तो नीचे देखें मेन जो अभी अपडेट आया है सिक्योरिटी अपडेट, जो कि है 1 जून 2023 का, मतलब कि इस महीने का ये अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर इसको सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है, सिक्योरिटी को अपडेट किया गया है, कुछ इनहांस फीचर को एड ऑन किया गया है, कुछ बग्स फिक्सेस किए गए हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी बहुत परफॉर्मेंस देखी जाए, तो अगर मैं यहाँ पर गैलरी को खोल लूँ, कैमरे को खोल लूँ, एक दूसरे कैमरे को खोल लूँ, ठीक है, ये फोटोज को खोल लूँ, ठीक है, ये मैंने 4-5 ऐप खोल लिए हैं, और उसके बाद भी अगर आप मैं मोबाइल को यहाँ पर चलाऊँ तो आप देखेंगे ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, मोबाइल यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर चल रहा है, और सारी ऐप्स यहाँ पर खुली हुई आपको दिख रहा होगा, ये सब ऐप्स यहाँ पर खुली हुई आपको दिख रही हैं। तो परफॉर्मेंस में अभी फ़िलहाल तो सही लग रहा है, और अच्छे से परफॉर्मेंस देखना है तो मैं यहाँ पर गैलरी को खोलता हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे तक, आप देख रहे हैं कितनी इजीली ये फोटो यहाँ पर सिग्नलाइजेशन हो रही है, मतलब कि ये यहाँ पर सही साथ चल रहा है। अगर आप ऐसे ही कांटेक्ट में जाएं और कांटेक्ट में जाके देखें, तो अब भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर स्पीड में कोई इशू नहीं है, यहाँ पर अच्छा खासा ये यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो यार ये बेस्ट लग रहा है, अगर इसके बाद देखते हैं अपडेट होने के बाद कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। फिलहाल तो यहाँ पर सही साइड लग रही है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस अपडेट के बाद बैटरी परफॉर्मेंस कैसा रहा, चलने की स्पीड कैसी रही एक्चुअल में, मतलब एक दिन यूज़ करने के बाद, और क्या कुछ नए इनहांस फीचर एड ऑन किए गए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही नई अपडेट्स की मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक हो सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। तो जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।